अभिमन्यु को और क्या चाहिए था? कैसे रोकती उसको? रोकना चाहिए था किसी भी तरह, पर क्या उसे कुछ नहीं दिख रहा? क्या उसे मेरी फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं है? ये मुझे क्या हो गया है? उसे क्या हो गया है? हम दोनों को पता है कि हमारे बीच कुछ तो है, फिर भी एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। बार बार हमारी ईगो सामने आ जाता है। कुछ तो करना पड़ेगा। ये मैं क्या कर रहा हूं? चलो, वर्स्ट केस मैं वापस जाता हूं निकी से बात करने। क्या होगा? वो खुद ही तो कह रही थी कि रुक जाओ, तो फिर रुकने में क्या हर्ज है? कम से कम मुझे पता तो चलेगा कि वो मेरे लिए क्या फील करती। ओके। लेकिन अगर वो मेरे लिए कुछ फील नहीं करती तो फिर भी मुझे पता तो करना पड़ेगा। सबके साथ फ्लर्ट कर रहे हो, मुस्कान के साथ मेरे साथ भी फ्लर्ट कर रहे हो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं किया था? हमारा प्यार था क्या? मैं क्यों बार बार ऐसा सोच रही हूं? क्यों? मेहरबान के लिए सब कुछ करूंगी, सब कुछ। प्लीज मेरी मदद करना, प्लीज। हाँ दुल, मैं आ रही हूँ। मैं बस जा रहा था, बारिश मैं आ गई। कपड़े चेक करने आ रही थी, बारिश आई। अब तुम अगर रुकना चाहो तो। हाँ, मेरा मतलब अगर तुम कहो तो। हाँ, बारिश एक बूंद नहीं हो रही थी। कपड़े, बारिश हो नहीं रही और ये अपने कपड़े चेक कर रही थी। मुझे पता था
ये पहले ही रुकने के मूड में था। मैं बता रहा हूं, ये चाहती थी कि तू रुक जाए। अभी कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? प्रॉब्लम क्या है इसको? अब क्या दिन भर ऐसे ही खड़ा रखेगी, कुछ बोलेगी भी? ये निकी कुछ बोलती क्यों नहीं, और तू चुपचाप क्यों खड़ा है? बोल ना कुछ। कब तक प्रिटेंड करें? हाँ निकी प्लीज, गेम खत्म। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। वेल, अगर तुम जानते हो तो सीधे सीधे कहते क्यों नहीं, घुमा फिरा कर क्यों बात कर रहे हो? मैं, एक्सक्यूज मी, थोड़ी देर पहले तुम सीधी सीधे बात कर रही थी ना, राइट? तुम ना दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की हो, और तुम दुनिया के सबसे रोमांटिक लड़के हो। एक्सक्यूज मी मैडम, रोमांस के लिए अच्छे पार्टनर की जरूरत होती है, और तुम वो बिल्कुल नहीं हो। रियली नाउ, क्या हूं मैं? तुम एक फिर से? क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम ऐसे बार बार पीछे क्यों देख रही हो? वो एक्चुअली अरमान, मैं ना बहुत खुश हूँ कि ना मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पे नहीं है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरे घर में क्यों होता? नहीं होता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे लिए? नहीं है। आप ही नहीं सकता। नहीं। तुम वक्त लाइट ऑन मत करो ना प्लीज। मुझे अंधेरे में ना बहुत मजा आता है। कौन है? 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 कहाँ है? कौन है? किसी लड़के की आवाज आई। हाँ। मुझे अंधेरे में बहुत मजा आता है। वो मैं थी। नहीं, आवाज को क्यों गया? वो क्या हाँ हाँ करते रहते हो? I mean, तुम कब से सवाल पूछे जा रहे हो? मैं सरप्राइज दूँ तो कैसे दूँ? मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ना, तभी तो मैं तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज दे पाऊंगी। I understand। ये तो हिला क्यों लाया हाथ अपने ऐसे? कमरा, तुम कमरा, ये कमरा, कमरा किसने बोला? कमरे में देखो प्लीज प्लीज प्लीज, मैं ऐसे टाइप का लड़का नहीं। मुस्कान, जो तुम समझ रही हो मैं बिल्कुल वैसा नहीं। ये सब बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये तो भूल ही गया था। ये एक्चुअली मेरी जो पुरानी गर्लफ्रेंड है, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, उसके दिमाग में हमेशा यही सब चलता रहता। You know, ding dong. Ding dong? फिर तुम आवाज बदल रही हो यार। Surprise! ये चेहरे इतनी गंदी क्यों है? It stinks, man. It stinks. और क्या हुआ तुम्हारे सरप्राइज का? अब तुम अगर बार बार सरप्राइज की बात करोगे तो सरप्राइज सरप्राइज नहीं रहेगा ना। I understand. वैसे भी तुम एक गंदी सी चेयर पर क्यों बैठे हुए हो? चलो ना कहीं और जाके बैठते हैं। सुमनलता, निक्की सिस्टर, हमारी टिकटें आ गई है, हम राजस्थान जा रहे हैं। वाओ, क्या हुआ? वो कुछ भी तो नहीं हुआ। वो क्या है, हमारे चाचा के बेटे की शादी है। देखना सिस्टर, हमें बड़ा मजा आएगा वहाँ पर। ऑफ कोर्स आएगा सुमनलता, तुम जाओ और हमारे लिए बहुत सारे फोटोग्राफ्स लेके आना। आई नहीं सिस्टर जी, हमारा कजिन मतलब आपका कजिन मतलब हम सब जा रहे हैं। अब एक मिनट,
हम सब हाय, आपके बगैर तो हम कहीं जा ही नहीं सकते ना। देखिए सुमनता जी, मैं वहां क्यों जाऊंगा? मेरा मतलब आई एम सॉरी, लेकिन मैं वहां आपके साथ क्यों जाऊंगा? हाय सिस्टर जी, आप इन्हें समझाइए ना, अब हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते और वहाँ पे शादी में हजार काम होंगे, तो फिर आपकी देखभाल कौन करेगा? मैं यही रहूंगी। या ऐसे कैसे सिस्टर, आप यही पे कैसे रह सकती है? नहीं नहीं, आप हमारी सिस्टर है और ये फिर फैमिली का फंक्शन है, आपको तो हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। एक सिस्टर जाएगी और एक नहीं जाएगी, ऐसे नहीं हो सकता। और आप समझने की कोशिश कीजिए सुमन दादा जी, मैं वहाँ नहीं जा सकता, मेरे पास यहाँ बहुत काम है। इसलिए आप दोनों शादी में जाइए, खूब खाइए और डांस कीजिए। वैसे भी निकी की देखभाल करने के लिए वहाँ आपको लोग मिल जाएंगे। ठीक है? ठीक है या जैसी आपकी मर्जी, हम और सिस्टर तो जा रहे हैं। हम भी देखते हैं सिस्टर ये यहाँ कैसे रहते हैं। जब इनका प्यार ही वहाँ राजस्थान में रहेगा तो देखना कैसे अपने आप ही खींचे चले आएंगे। सुमनता, वो नहीं आएगा। आएंगे जी आएंगे, उन्हें खींचने वाली चाबी जो है हमारे पास। अरे यार, ये मुस्कान पागल हो गई है। किरस ने डांस होता है। क्या कर रही हो तुम? ये डांस, मैं ना पहली बार पे डांस करती हूँ। एंजॉय। लगता है लड़की थोड़ी खिसकी हुई है। कुछ कुछ डिस्ट्रैक्ट करो ना, कुछ आवाज, चूहे की आवाज। माउस, चूहा, चूहा। नहीं था, चूहा नहीं था, चूहा नहीं था। आई नो दिस गेम। नहीं था, नहीं, नहीं, ये कौन सा चूहा होता है? ये, बा, बा, ये, अरे तो बिल्ली, तो बिल्ली, बिल्ली करो। मेरे घर के पास इतने एनिमल्स के जू खुल गया क्या? हाँ ना, हाँ वो देख क्या था? देख क्या? दरवाजा। ओके 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 ओके, यार दोस्तों के लिए ना टिंग डोंग, आई मीन इज्जत को दांव पे लगाना पड़ेगा। कान ओए दद्दू, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। ये क्या हो रहा? बाद में मतलब तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुझसे मिलने आया था। तुझे मेरा घर कैसे पता? तेरा शेर शेर, ये देर बाद आया इसलिए तुझे मिलने आया था। नो, इतनी देर बाद आया था? डोंकी डोंकी, ओजी ओजी, इसका मतलब है कि इसका मतलब मुझे पता है। यू कम लेट माय फ्रेंड। नहीं, व्हाट, तू लेट था ना अपनी इंटर्नशिप के लिए, इसलिए। तू मेरे बाथरूम में क्या कर रहा था? शावर जल चुरा रहा था, फिर से कॉलेज किया था ना? तू पागल हो गया क्या? तेरा चश्मा क्या तूने लेंस पहने क्या? तेरे बाथरूम में पड़े। बाथरूम में पड़े? राहुल, बाद में बात करते हैं। ओके, बाय। बाय बाय अरमान, कल मिलते हैं। राहुल, राहुल। कुत्ता बोला? ये राहुल मेरे घर में क्या कर रहा था? क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? नहीं। क्या? नहीं यार, संजीवनी के सारे इंटरव्यूज ना थोड़े वियर्ड थे, बिल्कुल भी तेरी दोस्त डिजर्व नहीं करते। अरमान, तुम्हें मुझसे बात किए बिना नींद भी नहीं आती थी,
अब क्या हो गया? अब सोने का टाइम है, और ऐसा नहीं कि गुड लुकिंग लोगों को नींद की जरूरत नहीं होती। सो जा। तुम मुझे बिल्कुल मिस नहीं कर रहे। बाय। और उन सब लोगों को ढेर सारा प्यार जो लोग मुझसे प्यार करते हैं। कितनी अजीब बात है नरपाल, जब तुम दुनिया को हमारे प्यार के बारे में बताना चाहते थे तो मैं तैयार नहीं थी, और आज मैं दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर हमारे प्यार के बारे में बताना चाहती हूँ तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं। अरमान प्लीज प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ प्लीज। अरमान आई लव यू वेरी मच, लव यू वेरी मच। Hey, good looking. Shh. Sorry. सो जा। मैं भी सोने की कोशिश करता हूं। एक हफ्ते में अगर पैसे नहीं दिए तो प्रोजेक्ट टेक ओवर कर लेंगे। एक हफ्ते में ये सब अंदर आओ इसी वक्त। ये सब क्या है? ये नोटिस है सर। वो मैं भी जानता हूं कि ये एक नोटिस है, लेकिन क्यों? पैसे तो हमने दे दिए थे सर। हमें लगता है पैसों कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, इसलिए बैंक से नोटिस आया। एक्सक्यूज मी, मुझे पढ़ना आता है, तुम जाओ यहां से। ठीक है सर। हेलो सर, कैसे हैं? मैं डॉक्टर मोदी बोल रहा हूँ, संजीवनी से। सर यहाँ मुझे बैंक का नोटिस आया है, लिखा है कि अगर एक हफ्ते के अंदर पैसे का बंदोबस्त नहीं हुआ तो बैंक काम रुकवा देंगे। सर प्लीज आप पैसे भिजवा दीजिए। क्या पैसे? पैसे कैसे भिजवा दें? आप एक काम कीजिए, आप खुद ही आइए और पैसे लेके जाइए। सर मैं पर हेलो हेलो सर,